press the bell icon on the YouTube app and never miss. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो में आप देखेंगे भारत की बेटी यास्मीन हफीज जी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी लुबना जैदी, जो है तो पाकिस्तानी मूल की पर वो यूके में रहती हैं, और वो बात करेंगी हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और खासकर पाकिस्तानी और पाकिस्तानियों को एक्सपोज करेंगी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। आई थिंक अगर पाकिस्तान का जो मुल्क है वो खुद अच्छा होता तो लोग बाहर जाने की कोशिश करते नहीं, क्योंकि वो मुल्क पूरा फेल हो चुका है, फेल्ड कंट्री है, वो करप्शन बहुत है। अभी भी शायद बिलियंस और पाउंड देने की जरूरत है बेल आउट करने के लिए, इकोनॉमी कोई है ही नहीं वहां पर, और लीडरशिप नहीं है, प्रोग्रेशन नहीं है, करप्शन इतनी है, तो पूरा सिस्टम जब खराब है तो मुल्क वो चल नहीं रहा है। एक्चुअली बार बार बाहर के मुल्कों को पैसे देना पड़ रहा है वो मुल्क चलाने के लिए, और अनफॉर्चुनेटली ऑफकोर्स लोग ये बोलते हैं कि वेस्टर्न पपेट गवर्नमेंट है पाकिस्तान में, लोग ये बोलते हैं पपेट गवर्नमेंट, वेस्ट की पपेट गवर्नमेंट, कि वेस्ट ने जो डाला हुआ है वो बनता है वो, और उन लोगों को एक्चुअली परवाह नहीं है सिटीजन्स के बारे में। फिर सिटीजन्स भी परवाह नहीं करते हैं, ठीक है तुम आप लोगों को हमारी परवाह नहीं है, हम बाहर में मुल्कों में जाकर गंदमा जाएंगे, हमें तो परवाह नहीं है पाकिस्तान के नाम की। मगर बात ये है, तो ये पूरा सर्कुलर प्रॉब्लम है, घूम फिर के पूरी दुनिया में आ रही है। तो आई थिंक किसी भी मुल्क के लिए जरूरी होता है कि जब वो मुल्क अपने पैरों पे खुद खड़ा होता है तो वो अपने इश्यूज भी उस मुल्क से कम आ रहे होते हैं, मगर क्योंकि सोर्स जो है, जो मुल्क पाकिस्तान है, वो सोर्स अब पूरा करप्ट हो चुका है, वो उसको चेंज होने में भी बहुत 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 साल लगेंगे। सिर्फ पैसे फेंकने से ये चेंज नहीं होगा सिस्टम, लोग चेंज लाते हैं, इंसान जो लीडरशिप है वो चेंज लाती है। अब मैं ये नहीं बोल रही कि मैं इमरान खान की कोई फैन हूँ, मगर जहां तक मैंने थोड़ा बहुत देखा है कि इमरान खान जो है, चलो वो सुन नहीं रहा था वेस्ट की, वो अपने मुल्क वो पाकिस्तान को बनाने की कोशिश वो कर रहे थे, मगर इसी वजह से फिर उनको, उनके साथ जो भोरा जेल में है और ये वो, इसलिए डाला उनको गया क्योंकि वो एक्चुअली वेस्ट की सुन नहीं रहे थे। तो जो इंसान जो है पाकिस्तान को खड़ा करने की कोशिश भी करता है उसको भी फिर करप्शन में या किसी उसमें फंसा देते हैं लोग, तो फिर अगर वेस्ट ये चीज कर रहा है तो फिर वेस्ट को भी कुछ जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। तो ये पूरा सर्कुलर आर्ग्यूमेंट है। मुझे ये लगता है कि अगर लीडरशिप पाकिस्तान की पूरी बर्बाद हो चुकी है तो जो सिटीजन्स हैं पाकिस्तान के, उनको फर्ज बनता है अपने मुल्क को वो फिर ठीक करें, क्योंकि हर मुल्क में यही होता है कि जो सिटीजन्स हैं वो चेंज लाते हैं, वो आवाज उठाते हैं, वो चेंज लाते हैं। तो हम लोग नहीं, कोई हम थोड़ा बहुत उनको समझा सकते हैं, गाइड कर सकते हैं कि चलो मैं पैदा हुई हूँ यूके में, यूके की सोच ये है, अगर अभी अपनाएंगे आपको फायदा होगा, मगर हम इनको फोर्स नहीं कर सकते हैं, तो इन लोगों को खुद अपने आप को सुधारना है। बिल्कुल। अच्छा, मैं देख रही थी कि आप पोएट्री भी कर रही हैं और करती हैं, और आपका खुद का चैनल है जिस पर आप इतनी बोल्डली बात रख रही हैं, और जैसे कि आपने एक प्रोग्राम में, एक मैंने आपका सुना जहां पर आपने बताया भी कि आपको किस तरह के खतरे, किस तरह के लोगों के जो धमकियां आती हैं, ये चीजें जो होती हैं, और वो करने वाले वो लोग होते हैं कि जिनको आपके बोलने से प्रॉब्लम हो रही है। अब ये समझ नहीं आता कि जो माशरा पाकिस्तान का इस तरह से डेवलप हो चुका है जिसमें वो अपने आप में कोई चेंज नहीं चाहते हैं, तो जब वहां पर मुस्लिम का ही मुस्लिम के साथ इस तरह का बिहेवियर है, या कोई और मुस्लिम अगर उनको उनको अवेयर करने के लिए बात करे तो उसका पीछा ले लेते हैं, तो फिर जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं वहां पर, आप उनको कैसे देखती हैं? क्योंकि आए दिन वहां पर फोर्स कन्वर्जन के मामले सामने आते हैं, आए दिन टारगेट किलिंग के मामले सामने आते हैं, तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिसपे पाकिस्तानी खुद बात भी नहीं करना चाहते। पाकिस्तानी यूट्यूबर जो है उनके मुद्दे ही कुछ और होते हैं, वो मोस्टली वो सारे इंडियन टॉपिक से बात कर रहे होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये जो हो रहा है उस पर बात नहीं करते। जी, मैं यूके में बैठी हुई हूँ इसलिए इतनी हिम्मत कर रही हूँ, मैं पाकिस्तान में अगर बैठी हुई होती तो मैं ऑब्वियसली ये बातें नहीं कर रही होती। देखें, जो अब मैं बताऊं, मैं 3 पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने मेरा इंटरव्यू लिया है, जो लेडी थी जिन्होंने, जिनका आई थिंक सिमरन नाम था या ऐसा कुछ नाम था, जिन्होंने अभी मेरा इंटरव्यू करा, इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले एक तो वो 30 मिनट लेट थी तो मेरा फिर मूड थोड़ा सा ऑफ हो गया था। उसके अलावा जो इन्होंने मुझे शुरू में ही बोल दिया था इंटरव्यू के कि प्लीज कोई वो कॉन्ट्रोवर्शियल जैसे टॉपिक्स मैं जवाब ना दूं, इन्होंने मुझे पहले सेंसर कर लिया था कि वो मेरा चैनल कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं है और मैं कॉन्ट्रोवर्शियल जवाब ना दूं। मैंने कहा देखा आप सवाल जो पूछेंगे उसको तो मुझे जवाब देना पड़ेगा ना, तो मेरे बोलने से पहले ही सेंसर कर लिया, फिर आपने मुझे बुलाए क्यों है? फिर आपको पता है मैं किस टाइप की बातें करती हूँ और मेरा क्या अंदाज है बात करने का, तो मुझे बुला भी रही हैं और फिर मुझे सेंसर भी कर रही हैं।
आप सही बोल रही हैं कि जो पाकिस्तान में हैं वो खुद भी डरते हैं, ऑफ कोर्स के ज्यादा खुल के बात कर नहीं सकते हैं। आई थिंक शायद उनको, कई पाकिस्तानियों को भी खुशी होती होगी अगर कोई बाहर से बैठ के आवाज उठाए, क्योंकि वो पाकिस्तान में बैठ के खुद आवाज नहीं उठा सकते हैं क्योंकि उनको डर है। जो दो तीन लोगों ने मुझे धमकी दी थी वो ऑनलाइन थी, मुझे नहीं पता कि वो लोग यूके में हैं या कहीं पाकिस्तान में बैठे हों। मुझे उनकी इंग्लिश पढ़ के ऐसा लग रहा है कि वो यूके में नहीं है, हो सकता है पाकिस्तान में ही बैठ के धमकियां दे रहे हों डर के मारे, क्योंकि मेरी कुछ लोग क्योंकि मुझे चैलेंज कर नहीं सकते हैं मेरी लॉजिक के साथ, तो फिर धमकी उनको लगता है चलो धमकी दे दो। मगर उनको खुद बैठ के सोचना चाहिए आपको इतनी जरूरत क्यों पड़ रही है किसी से इतना डरने की कि आपको धमकी देनी पड़ रही है इंसान को। मैं एक तमीज से बात कर रही हूँ, आपको अगर इतना मेरी बात खल रही है तो आप खुद अपने आप को रिफ्लेक्ट करें कि आप ऐसे कि आपके मुल्क के बारे में अगर कोई कुछ बोला है आप लोगों के बारे में तो क्यों बोल रहा है आपको, यानी अपने मुल्क ठीक नहीं करना दूसरे लोगों को धमकी आप देंगे, कितने लोगों का मुंह बंद रखेंगे, पूरी दुनिया तंग आ चुकी, किन किन लोगों का मुंह बंद रखेंगे। तो फिर उम्मीद ना लगाए ना कि वीजे ना मिले। अब जब ये मुझे ऑनलाइन लोग धमकी दे रहे हैं, अगर मैं बोल रही हूँ कि मुझे लग रहा है कि ये पाकिस्तानी में बैठे हुए थे, तो ये लोग फिर क्या सोच रहे हैं कि जब लोग दूसरे लोग ये पढ़ेंगे मैसेजेस कि कोई धमकी दे रहा है तो पाकिस्तान का अच्छा और इम्प्रेशन पड़ेगा या बुरा इम्प्रेशन पड़ेगा? बुरा पड़ेगा ना, और बुरा बुरा पड़ेगा। लोग बोलेंगे देखो हम तो यही सोच रहे थे एक्सट्रीमिस्ट से और ये लोग कर रहे हैं एक्सट्रीमिस्ट हरकतें। तो अपने मुल्क को खुद बदनाम करना हुआ ऑनलाइन भी और बाहर के मुल्कों में जाके भी, ऑनलाइन में भी आपको अपना मुल्क रिप्रेजेंट करना है जहां पर भी आप जाएं। बिल्कुल, ना कि केवल अपने घर में बल्कि आपको दुनिया में भी अपना मुल्क रिप्रेजेंट करना होता है। और बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं कि हम भारत में, हम भारतीय हैं और हम बाहर से चैनल देख रहे हैं तो हमें बड़ा अच्छा फीडबैक मिलता है कि चीजें बहुत अच्छी हैं भारत को लेकर, लेकिन वहीं पाकिस्तानियों के नजरिए से देखें तो बातें बहुत निगेटिव आती हैं, बहुत ही पैसिमिस्टिक एक नजरिया दिखता है। अच्छा लुबना जी, मैं आपका देख रही थी जितना भी आप बात कर रही हैं, और काफी ये एक सोशल अवेयरनेस के लिए काफी हिम्मत चाहिए है आज के वक्त में, खासकर जब आप किसी भी ऐसे मुद्दे पर बोल रहे हैं जहां पर आप जिन लोगों को बताना चाहते हैं वो सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो अपनी कमियों पे काम करने के लिए तैयार नहीं है, वो आप जैसे किसी शख्स की आवाज बंद करना ज्यादा बेहतर समझेंगे बजाय खुद को सुधारने के। पाकिस्तान में अभी हम देखते हैं जो पाकिस्तान के सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल हैं और जो इंटेलेक्चुअल की पूरी एक एलीट क्लास है, मोस्टली वो इस बात में बिजी हैं कि हर वक्त वो औरतों के ऊपर नजर रखे होते हैं कि सारी कमियां औरतों में हैं, सारी जो जहन्नुम है, सारी जहन्नुम में सारी औरतें जाएंगी, दोज़ख़ीनी से भरी जाएगी, इस तरह के सारे स्टेटमेंट्स आए दिन। खलील रहमान साहब का एक केस अभी जो हम देख रहे हैं, बड़ा ही वो औरतों के पीछे अभी रहते थे, तो इस तरह के बहुत सारे केसेस। इस माशरे का ये जो नजरिया डेवलप किया जा रहा है पाकिस्तान में, और खास करके औरतों को लेकर ये नजरिया, इस पर क्या कहेंगे? तो ये पाकिस्तान में बड़ा ही आम नजरिया हो गया है, और कोई बात करे तो उसे ही गुनाहगार बना देते हैं। मुझे लगता है बहुत सारे लोग मजहब को इस्तेमाल करते हैं अपने गंदे काम करने के लिए, और जो अच्छे मुसलमान हैं, जो अच्छे इंसान हैं, वो लोग कभी भी मजहब को मिस यूज नहीं करेंगे। मगर बहुत सारे जो भेड़िए हैं जो लोगों को जाहिर करते हैं कि हम तो बहुत मजहबी हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं, कुरान में ये लिखा है, हदीस में ये लिखा है, उसको मिस यूज करते हैं, मिस इंटरप्रेट करते हैं जानबूझ के, ताकि औरतों को कंट्रोल करने के लिए या अपनी चलाने के लिए, क्योंकि उसके अलावा उनकी कोई लॉजिक नहीं कि कोई उनकी बात सुनेगा या समझेगा। तो मैंने भी अभी रिसेंटली वीडियो बनाई थी ये लोगों को समझाने के लिए, और मैंने उर्दू में जान पूछ के बनाई थी हिंदी में, ताकि लोगों को समझ में आए कि फर्क क्या है यूके की सोच में और पाकिस्तान की सोच में। यूके में ये है कि आप बकीनी पहने, आप कुछ भी पहने, कोई आदमी हाथ लगा के तो दिखाए, किसी का हक नहीं बनता कि आपको कोई हाथ लगाए। पाकिस्तान जैसे मुल्कों में ये है कि चलो अच्छा लड़की ने स्कर्ट पहन ली, इसका मतलब ये चाहती है कि लोग इसको छुएं, तो हम ऐसी ये हमारे हमें बहाना मिल गया छूने का। तो पूरी सोच में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। और मगर ये आदमियों का भी काम होता है औरतों को प्रोटेक्ट करना। यूके में जो अंग्रेज हैं वो अपनी गोरियों को प्रोटेक्ट करते हैं कि तुम कुछ भी पहनो, देखो को हाथ लगा कर तो दिखाए। पाकिस्तान में ये है उल्टा बोलते हैं, औरतों को ब्लेम करते हैं, आदमियों को कुछ नहीं बोलते। अब कुरान में मेरे अंडरस्टैंडिंग ये, अगर मैं स्कॉलर नहीं हूँ, मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि ऑफकोर्स मॉडेस्टी के बारे में बोला है कि आप मॉडेस्टली ड्रेस्ड हो, मगर आदमियों को भी बोला गया है मॉडेस्टली ड्रेस होने के लिए, और आदमियों को ये भी बोला गया कि आप अपनी नजर नीचे करके रखें। तो बिल्कुल मुस्लिम मुल्कों में ज्यादा फोकस ये होता है कि औरत अपने आप को ढके, औरत अपने आप को ढके। तो ठीक है औरत अपने आप को ढके चलो, मगर जो जहां ये लिखा है कि आदमी अपना नजर नीचे करे, वो क्यों नहीं बोला जाता, रिमाइंड क्यों नहीं करा जाता आदमियों को? सिर्फ औरतों को क्यों बोला जाता है मॉडेस्टली ड्रेस हो, आदमियों को क्यों नहीं आप वो सीसीटीवी से मॉनिटर क्यों नहीं कर रहे हैं कि नजर कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा, कौन नीचे कर रहा है नजर?
तो इस जैसे ईरान में भी जो ऐसे मोरालिटी जो पुलिस है जो देखती कौन हिजाब पहना हुआ कौन नहीं पहना हुआ, ये सीसीटीवी कैमरे आदमियों के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं करे जाते कि कौन देख रहा है औरतों को कौन नहीं देख रहा? तो ये पूरा फोकस औरतों के ऊपर चलिए होता है तो ये गलत चीज है काफी। ताली दो हाथ से बचती एक से नहीं। ताली दो हाथ। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह लुबना जैदी का ये जबरदस्त इंटरव्यू आपको काफी पसंद आया होगा और इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे आपने देखा लुबना जैदी ने ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि जो जो पाकिस्तानी पूरे दुनिया भर में किसी भी देश में रहते हैं वहां पे जो उनकी घटिया सोच और घटिया हरकतें हैं उनको एक्सपोज किया। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपसे लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।